इलेक्शन कमीशन की 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर पर्यवेक्षकों के साथ हुई बैठक। नवंबर दिसंबर के बीच चुनाव संभव। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों, राजस्थान, एमपी, मिजोरम में 1 चरण में चुनाव मुमकिन। मुफ्त वाली राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस। मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा चुनाव आयोग से भी 4 हफ्तों में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार जाति जनगणना के आंकड़ों पर रोक लगाने से किया इनकार। कहा, राज्य के कामकाज पर यूं ही रोक नहीं लगा सकते, मामले की विस्तृत सुनवाई करेंगे। नीतीश सरकार को जारी किया नोटिस, अगले साल जनवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। सरकारी विभाग में अस्थायी नौकरियों में 45 या उससे ज्यादा दिन काम करने पर एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण सख्ती से लागू होगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। राजस्थान में चुनाव से पहले 3 नए जिले बनाए जाने की घोषणा। गहलोत बोले, जनता की मांग पर लिया फैसला, अब राज्य में 53 जिले होंगे। गहलोत के विजन डॉक्यूमेंट पर गजेंद्र शेखावत ने उठाए सवाल। कहा, डॉक्यूमेंट झूठ का पुलिंदा, ताश के पत्तों का महल खड़ा करने की कोशिश की गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में प्रियंका गांधी ने रमन सिंह सरकार की याद दिलाई। कहा, बीजेपी शासन में हिंसा का राज था। पीएम मोदी की गारंटी को चाइना का माल बताया। कहा, 15 लाख नहीं आए, 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा पहुंच गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एबीवीपी का बघेल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पीएससी घोटाले का विरोध। प्रदेश में लगातार बढ़ रही कानून व्यवस्था के खिलाफ खोला गया मोर्चा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 दिन में 53,000 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। 45,000 करोड़ का सिर्फ भूमि पूजन। शिवराज बोले, बहनों की जिंदगी बेहतर करना ही मेरी जिंदगी का मिशन है। कैलाश विजयवर्गीय का बयान, जिस बूथ पर कांग्रेस को 1 भी वोट नहीं मिलेगा उस बूथ अध्यक्ष को 51,000 का इनाम दूंगा। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एलिवेटेड रोड और चंबल से पानी लाने की परियोजना का शिलान्यास किया। बोले कि आज मेरा सपना और संकल्प पूरा हुआ। इंदौर में ग्रामीण विधानसभा सीट पर बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध। राजेंद्र चौधरी को टिकट देने की मांग। तेलंगाना के मल्काजगिरी में जेपी नड्डा ने कांग्रेस बीआरएस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस और बीआरएस दोनों पारिवारिक दल, सिर्फ बीजेपी राष्ट्रीय दल है। बीआरएस को बताया भ्रष्टाचार रिश्वत समिति। पार्टी को तेलंगाना में मजबूत करने में जुटी कांग्रेस। बीआरएस एमएलसी के नारायण रेड्डी समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, केसी वेणुगोपाल भी रहे मौजूद। एनसीपी के चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर में सुनवाई जारी। शरद पवार और अजित गुट मौजूद। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ बैठक। राहुल गांधी भी रहे मौजूद। मीटिंग में इंडिया गठबंधन की रणनीति और आगे की रूपरेखा पर हुई चर्चा। संजय सिंह मामले पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, शराब घोटाला फर्जी, लोगों को टॉर्चर करने के लिए दिए जा रहे बयान ना काम कर रहे ना काम करने दे रहे। विपक्षी नेताओं को पूरे देश में किया जा रहा परेशान, डर का माहौल है। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कट्टर ईमानदार का किरदार तार तार हो गया, लगता है दारू के दरिया में आप पार्टी के सब डूबे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया P20 सम्मेलन 12, 13, 14 अक्टूबर को यशोभूमि द्वारका में होगा। G20 और अफ्रीकन यूनियन 50 से ज्यादा सांसद शामिल होंगे। महाराष्ट्र के अस्पतालों में मौत को लेकर उद्धव ठाकरे का शिंदे सरकार पर निशाना। बोले, भ्रष्ट शासन की वजह से लोग गंवा रहे जान। बिना निविदा के खरीदी दवा दी जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बेहद खराब। हरियाणा की 303 अनाधिकृत कॉलोनियों को किया गया नियमित। आने वाले दिनों में 1,507 दूसरी कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दी जानकारी। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल बोले, दिल्ली के तर्ज पर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा शराब घोटाला। महिला बीजेपी विधायकों ने बंगाल में सीएम ममता बनर्जी को गिफ्ट की है साड़ी, लौटा दी है। कहा, राज्य महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की वजह से किया गया है फैसला।
2024 के लिए विकास दर 6.5% रहने की उम्मीद। महंगाई दर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। कांग्रेस बोली आंकड़ों से जाहिर है महंगाई से कोई राहत नहीं, करोड़ों लोग परेशान।